अरे कौन हो तुम, क्या हुआ? मैम साहब मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैम साहब मुझे काम दे दीजिए। अरे आपको कोई गलत फहमी, यहाँ पे कोई काम नहीं है। मैम साहब हर घर में कुछ ना कुछ काम तो होता ही है, हमें जो बोलिएगा हम वो कर देंगे, पर अभी हमें काम पर रख लीजिए मैम साहब। पक्का सारे काम कर लोगे? हाँ मैम साहब हम सब कुछ कर लेंगे, झाड़ू कर लेंगे, पोछा कर लेंगे, हम खाना भी बना लेंगे, पर हमें अभी काम पर रख लीजिए। लेकिन सैलरी में सिर्फ 2000 दूंगी। ठीक है मैम साहब हमें 2000 रुपये चलेगा। पक्का 2000 चलेगा ना? हाँ जी, हाँ जी मैम साहब। ठीक है चलो मैं तुम्हें काम बताती हूँ। ये लो तुम्हारा टिफिन। हाँ यहाँ नीचे रख दो। अच्छा जो ये नौकर रखा है उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया? अरे कौन सी वेरिफिकेशन यार, ये 2000 में नौकर मिला है, बाहर लोग 10-10 हज़ार रुपए मांग रहे हैं, तो यार तुम रहने ही दो। अरे यार मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि पता तो होना चाहिए कौन है, कहाँ से आया, कोई गलत काम करके तो नहीं आया। अरे मुझे जितना पता होना था उसके बारे में मुझे उतना पता है, और उसको काम चाहिए था और मुझे नौकर चाहिए था, और वैसे भी उसकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने दे दिया ना यार काम। ठीक है भाई तुमने बात करी है तो ठीक ही होगा, बाकी चलता हूँ मैं ऑफिस। अरे मेम साहब आप बैठिए हम देख लेते हैं। कौन था वो? मेम साहब हमारे गांव से एक आदमी आया था, बता रहा था कि हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो इसलिए हमें गांव जाना पड़ेगा। मेम साहब अगर आप 500,000 रुपए दे देते तो हम गांव निकल जाते आज। हाँ हाँ रुको मैं तुम्हारे लिए पैसे लेके आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, हमारी माँ की तबीयत जैसी ठीक हो जाएगी हम वैसे जल्दी आ जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, जब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाए जब तुम आराम से आ जाना। ठीक है मेम साहब। अच्छी जिम्मेदार नागरिक हूँ तो मैं ये सब क्यों करूंगी? 85 ये आपका ही नंबर है ना? हाँ। इस नंबर को तो आप पहचानती होंगी शायद। नहीं सर इस नंबर पे मैंने कभी कोई कॉल नहीं किया, ये तो राजू की माँ का नंबर है और अक्सर राजू इस नंबर पे अपनी माँ से बात करता है। राजू कौन? राजू मेरे घर का नौकर है, वो कुछ दिन पहले ही अपने गांव चला गया, उसने मुझे बताया था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वैसे मैम राजू कोई आईडी प्रूफ तो होगा आपके पास, वो हमें दिखाइए। नो सर वेरिफिकेशन तो नहीं कराई। मैडम आपने नौकर रखने से पहले उसका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करवाया, ना उसको कोई आईडी प्रूफ है आपके पास, और आप अपने आप को हिंदुस्तान की एक जिम्मेदार नागरिक बता रहे हो। कैसी जिम्मेदारी निभाई है मैम आपने? आपको पता भी है आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से कितने मासूम कितने निर्दोष लोगों की जान गई है? आपको अंदाजा भी नहीं होगा इस बात का, अगर आप पहले ही उसका वेरिफिकेशन करवा लेती तो आपको आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैडम मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ, उसमें से पहचानना कि आपका नौकर राजू कौन है। हाँ सर ये लास्ट वाला ही है राजू। मैडम जिसे आप अपना नौकर राजू बता रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मोहम्मद कमरुद्दीन अली खान है, और मैम इसने पता नहीं ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है, कितनों की हत्या की है, और मैडम जो गलती आपने करी है ना उसकी सजा तो आपको कानून देगा, आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। चलिए